दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी आइलैंड है जहां इंसान नहीं सांप रहते हैं। ये आइलैंड ब्राजील के कोस्ट लाइन और साओ पाउलो से 90 माइल्स दूर है। यहां आपको हर एक स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप देखने को मिल जाएगी। यहां पर इतने ज्यादा सांप होने के लिए इस आइलैंड को स्नैक आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड पर तकरीबन 4000 प्रजाति की सांप पाए जाते हैं और ये सारे सांप जो है नॉर्मल सांपों से तकरीबन 5 गुना ज्यादा जहरीली होती है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड वन ऑफ द डेंजरस स्नैक गोल्डन लिंचेड इस आइलैंड पर पाए जाती है। ये सांप येलोइश ब्राउन कलर के होता है और लंबाई में 28 इंच का, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये सांप 46 इंच का भी होता है। ये सांप की जहर इतना खतरनाक होता है कि ये काटने से इंसान की स्किन भी पिघल जाती है। अगर 1 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट नहीं किया तो मौत पक्का है। ये आइलैंड बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस आइलैंड पर जाने वाले ज्यादातर इंसान सांपों के काटने से मर चुकी है। 1900 से 1920 तक इस आइलैंड पर एक इंसान अपने फैमिली के साथ रहता था, जो कि एक लाइट कीपर थे। दरअसल इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस था जो समंदर से जाने वाले सीपों को डायरेक्शन करता था। फिर उस इंसान और उसके परिवार के सारे लोगों की मौत सांपों के काटने से हुआ। तब से लेके आज तक इस आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं रहती, और इस आइलैंड पर जाने की परमिशन सिर्फ नेवी और साइंटिस्ट की है, वो भी साल में एक बार। नेवी जो इस आइलैंड को देखभाल करते हैं और साइंटिस्ट जो इस आइलैंड के सांपों के बारे में रिसर्च करते हैं। इस आइलैंड के टेम्परेचर 19 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। दोस्तों, साइंस कहता है लगभग 11,000 साल पहले ये आइलैंड ब्राजील के हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सी लेवल बनने के कारण ये आइलैंड ब्राजील से अलग हो गया। दोस्तों, इस आइलैंड पर सांपों के अलावा और कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी जानवर थे वो सब इन सांपों के शिकार हो गया। दोस्तों, इस आइलैंड पर काफी कलरिंग और खूबसूरत सांप देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जहरीली होती है। और खास बात तो ये है कि इस आइलैंड की सांपों की जहर से खतरनाक जानलेवा बीमारी की इलाज होती है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इतना खतरनाक आइलैंड होने के बाद भी लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस आइलैंड पर स्मगलिंग करते हैं। लोग इलीगली इस आइलैंड पर घुस के सांपों को पकड़ती है, फिर उसे काला बाजार में मोटे रकम पर बेच देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।